हेलो दोस्तों, बंटी इलेक्ट्रिशियन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको कि बैटरी में पानी डालने का सही तरीका, कि इसमें किस हिसाब से पानी डलता है, किस हिसाब से कितना डालना चाहिए, वो आज हम आपको पूरी जानकारी के साथ देंगे। और हमारे वीडियो को जो पहली बार आया देख रहे हो, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप उसके बारे में, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो में बने रहें, हम आपको पूरी बारीकी से बताएंगे कि पानी किस हिसाब से इसमें कितना डालना चाहिए, ताकि बार भी ना डूले और लेवल पूरी कंप्लीट रहे। ये देख रहे होंगे आप इसमें कि कुछ लेवल तो बराबर चल रही है, कुछ लेवल इसमें नीचे है, पानी कम हो रहा है। जो तो ये लेवल के हिसाब से इसमें पानी का पता पड़ता है कि भाई ये लेवल आपको दिख रही होगी। आप इसमें डिस्ट्रिक्ट वाटर जो बोतल होती है पानी की, वही इसमें बैटरी में डालना चाहिए। इससे आप बैटरी की लाइफ भी अच्छी होती है और बैटरी जल्दी डाउन भी नहीं होती। अपन जो घर का साधारण पानी डालते हैं उससे आपकी बैटरी जल्द से जल्द डाउन होती है। तो आप हमेशा जब भी बैटरी में पानी डालना चाहते तो डिस्ट्रिक्ट वाटर का ही इस्तेमाल करें। इससे आपकी बैटरी की लाइफ भी बनी रहेगी और ये डिस्ट्रिक्ट वाटर लंबी लाइफ के लिए बैटरी वाटर का उपयोग करें। कंपनी भी इसी में लिख के देती है। और आप अभी आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें लेवल नीचे जा रही है, इसमें भी लेवल नीचे, इसमें ऊपर है, ये नीचे है, ये फुल है, ये फुल है, इसका कांच टूटा हुआ है। तो आपको एक एक कल्लार से या किसी पत्ती से आपको ये इसके जो पास में बोल्ट होते हैं आपको ये खोलने इस तरीके से। ऐसा ना हो कि आप इसको खोल के ही आप इसमें से पानी डालो तो आपको इसका अंदाजा नहीं लगेगा कि आपका पानी इसमें कितना भरा हुआ है, आपको कितना भरना है। आप इससे कंपनी वाले डबल ढक्कन इसी वजह से देती है। तो आप जिस जिसमें कम है वो ढक्कन आप खोल लीजिए। इधर से आप जितना पानी डालोगे लेवल उसमें इतनी ही ऊंची आती जाएगी। आपको केवल ये लाल निशान पे जो होता है निशान लगा हुआ है इस पे अड़ जाए, बस इतना ही पानी डालना है। ना कि ऐसा ना हो कि आप इसको ओवरफुल करते हैं, आपकी बैटरी ओवरफुल होने पे भी चार्ज नहीं होगी और बेट प्लस पानी नीचे निकलेगा तो आपका फर्श वगैरह या मान लो जिस पे भी आपने रख रखा होगा तो खराब होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप पानी डालिए, ये लेवल ऊपर आ रही है ना, आपको दिख रहा होगा ये बस ये इतना ही पानी डाल लिया आपका। हम दूसरे शेयर में भी पानी डाल के बताते हैं आपको। देखो ये लेवल कैसे ऊपर आ रही है, स्केल करके देने से भी जो लेवल अटकती है। और इसमें आपका मोबाइल का इसमें इस्तेमाल करिए इसका, ताकि इससे आपका पानी भी इधर उधर ना डूले। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको अनुभव हो बोतल से डाल सकता है, बाकी नहीं तो इसका कीप का इस्तेमाल करते हैं। सब लेवल ऊपर आ गई, आपको इसी तरीके से पानी डालना है। अब ये देखिए हमने 300 ml में केवल इतना ही पानी माया है। बहुत सी जगह होता है कि पानी लोग देखते नहीं है, इसकी वजह से कई बार लेवल भी जाम हो जाती है तो वो ऐसे ही अटकी रहती है और आपको पता भी नहीं पड़ता। और आप इस तरीके से पानी डालिए, ना कि ये ढक्कन खोलिए, ये वाले ही ढक्कन खोल के आप पानी डालें, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी रहे कि पानी कितना डालना है, कितना नहीं डालना है। और हमारे वीडियो ऐसे ही बने रहे, हम आगे भी आपको बहुत जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।